अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हम खाने में बना रहे हैं कोरमा, और कोरमे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। कोरमा हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने ऑयल शामिल किया और हम इसको प्याज में डाला हुआ हमने, और प्याज इसको फ्राई कर रहे हैं। गैस हमारा बहुत ही कम आ रहा है, तो स्लो स्लो आग पर ये हमारा प्याज हम इसको तल रहे हैं। इस प्याज को जब ये हल्का लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, और फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे। और गोश्त में क्या होगा, चिकन का गोश्त है जो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दिया है इसमें अब चिकन, और चिकन को हम फ्राई करेंगे। गैस हमारी अभी भी कम आ रही है तो हमें टाइम लगेगा इसमें। लाइट जाती है, लोगों के जनरेटर वगैरह ऑन हो जाते हैं तो इसकी वजह से गैस में कमी हो जाती है। तो अभी गैस हमारी कम आ रही है, लाइट नहीं है। अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया है, और इससे डालने से ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोरमा मसाले का शाशा। और अब हम इसमें थोड़ी देर एक दो मिनट के बाद इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। ये दही इसमें शामिल कर रहे हैं, तकरीबन एक पाव हमने दही लिया है और ये दही इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब इसको हम ढक देंगे, इसमें हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारा मसाला वगैरह भी भुन जाएगा। अब से नॉर्मल आग पर हम इसे पकाएंगे। हमारा भुन चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने पहले तलकर निकाला हुआ था, उसको हमने कूट लिया है और वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमने इसमें शामिल कर दी। प्याज हमने ऐड कर दिया है, और अब इसमें शामिल करेंगे हम कोकोनट पाउडर। ये हमने इसमें डाल दिया है। ये कोकोनट पाउडर हमने डाल दिया है, इससे ये होगा हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। बाज़ार का हम जो कोरमा मंगाते हैं तो उसमें रोगन ही रोगन होता है और ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये जो हम घर में बनाते हैं इसमें ऐसा नहीं होता, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है ग्रेवी का। तो हमने इसमें कोकोनट पाउडर शामिल किया है, और प्याज भी थोड़ी ज़्यादा ली है ताकि ग्रेवी वगैरह बन जाए। करेंगे इसमें तकरीबन पौने गिलास पानी, ये हमने पानी डाल दिया है। इसमें हमारी प्याज तली जाएगी, प्याज हमारी थोड़ी पक जाएगी। इसमें गैस कर देते हैं, तो तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और ये एकदम से हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखें आप, माशाल्लाह ग्रेवी देखें आप, कितनी ज़्यादा ग्रेवी है, मसाला। ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम। हमने कर दिया ऑफ। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और हमारा खाना भी कोरमा जो हमने बनाया था बनकर तैयार हो चुका है। हम सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, तो अपने वालों को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए, तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।